तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है इंडिया वालों से कि आपने जो सिक्योरिटी सिद्धू मूसे वाले से वापस ली थी ना, वो आप प्लीज़ दानी आमर को दे दीजिए। तो अभी कोई एलियन तो आया नहीं होगा आसमान से उन पर तशद्दुद करने के लिए, जाहिर सी बात है किसी इंसान का काम है। देखने में ये मामला जितना सीधा लग रहा है असल में उतना है नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरजे क्यानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे क्यानी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो नाज़रीन, डॉक्टर आमर लियाकत की मौत एक मामा बन चुकी है, एक पहेली बन चुकी है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, नई से नई चीज़ जो है वो मंजर आम पे आ रही है। समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। देखने में ये मामला जितना सीधा लग रहा है असल में उतना है नहीं। तो चले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ, हो सकता है आपको समझ आए, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी कुछ एक्सरे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि डॉक्टर साहब के बाजू की हड्डी टूटी हुई है। और सिर्फ बाजू की हड्डी नहीं टूटी हुई, साथ साथ उनके हाथ की हड्डी भी टूटी हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हुआ कैसे। मुलाजमीन का कहना है कि जब से उनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं जो कि दानी आमर ने की थी, तब से उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। ना वो खुद किसी से मिलते थे, ना उनसे मिलने की किसी को इजाज़त थी। तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे। तो अभी कोई एलियन तो आया नहीं होगा आसमान से उन पर तशद्दुद करने के लिए, जाहिर सी बात है ये किसी इंसान का काम है। या तो डॉक्टर साहब बाहर आए या फिर कोई अंदर गया, दोनों में से एक काम हो सकता है। अब तो ये डॉक्टर साहब जानते थे, अल्लाह जानता है, या फिर उनके जो मुलाजमीन है वो जानते हैं। तो उनके मुलाजमीन ये भी बताते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, उससे कुछ देर पहले उनके रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब ये भी हैरत की बात है कि आपका जो बॉस है जो आपको सैलरी देता है, वो अंदर रूम में पड़ा तड़प रहा है और चीख चिल्ला रहा है और आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। या तो आप पुलिस बुलाते या फिर एम्बुलेंस बुलाते। तो चलिए मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आपने आज तक कभी देखा या सुना हो कि किसी आदमी ने अपने रूम में जनरेटर रख के चलाया हुआ हो। यार जनरेटर का तो साउंड इतना ज़्यादा होता है, वो तो धुआं इतना ज़्यादा करता है कि आप उसे अपने आसपास रख के नहीं चला सकते। आप इमेजिन कीजिए कि सोते वक्त आपके बेड के साथ जनरेटर चल रहा है, आपको नींद आएगी? आप कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं करोगे ना। तो डॉक्टर साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब से वो अपने रूम में बंद हैं, जनरेटर अंदर ही पड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। एक दिन पहले तक सीसीटीवी कैमराज बिल्कुल ठीक थे, तो ठीक उस रोज़ जो है वो सारे कैमराज डेड हो जाते हैं। ये भी एक तफ्तीशनाक बात है। पुलिस ने कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लें, इस चीज़ से भी इनकार कर दिया गया। जो डॉक्टर आमर लियाकत की पहली बीवी हैं बुशरा बीबी और उनकी बेटी, उन दोनों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। अगर पोस्टमार्टम हो जाता बॉडी का तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती और बहुत सारी आसानी हो जाती इस केस को समझने में, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया। वैसे बड़ी अजीब बात है कि जब आमर लियाकत का इंतकाल हुआ तो उनकी लाश कई घंटों तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। पुलिस वाले बार बार रابطہ करने की कोशिश करते रहे तूबा से, बुशरा बीबी से, हानिया अमर से, लेकिन कोई भी उनकी लाश रिसीव करने के लिए एग्री नहीं हुआ। फिर हिम्मत करके बुशरा बीबी आईं, उनके बच्चे आए साथ, उन्होंने लाश को रिसीव किया और उसके बाद तदफीन वगैरह सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है अभी तो। तो जब बात आई प्रॉपर्टी की, उनके जितने भी असासे थे, उनके बैंक बैलेंस, तो जब इस चीज़ पर बात आई तो सब लोग जो है ना मैदान में कूद पड़े। अभी सब लोग अपनी अपनी रिश्तेदारियां निकालने के चक्कर में कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक हमारा जो है ना वो इस आदमी से जुड़ा हुआ। और दानिया अमर का एक वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें वो बता रही हैं कि हमारे दरमियान सब कुछ नॉर्मल था, हमारा पैचअप हो चुका था और बहुत जल्द डॉक्टर साहब मुझे लेने आ रहे थे। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, मुलाकात करवाई जाए। हमारी तो सुलह हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है इंडिया वालों से कि आपने जो सिक्योरिटी सिद्धू मूसे वाले से वापस ली थी ना, वो आप प्लीज़ दानी आमर को दे दीजिए। ये बड़ी मजलूम बच्ची है, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और इसकी जान को ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप काइंडली वो सिक्योरिटी जो है वो दानी आमर को दे दें ताकि इसकी जान बच सके। यार इस लड़की में ज़रा सी भी शर्म हया नहीं है कि तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई, तुमने उसे ब्लैकमेल इतना किया, तुमने उसे बदनाम इतना किया कि उस आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो अभी आपको जायदाद में हिस्सा भी चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। देखिए बीबी सिक्योरिटी उसे दी जाती है जिसे जान का ख़तरा हो, और जान का ख़तरा उसे होता है जिसने कुछ गलत किया हुआ होता है। तो आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आपको सिक्योरिटी क्यों दी जाए? आपने कश्मीर आज़ाद थोड़ी ना करवा लिया, ऐसा कौन सा आपने तीर मारा है कि आप सिक्योरिटी का मुतालबा कर रही हैं? ये तो डॉक्टर आमर लियाकत से जब आपकी शादी हुई तो आपकी पहचान बनी, उस आदमी ने जब आपको अपना नाम दिया फिर लोगों को पता चला कि दानिया नाम की कोई लड़की भी है।
आपको तो कोई जानता नहीं था, और आज आपके पास जो कुछ भी है वो उस आदमी की बदौलत है। और शायद आप भूल रही हैं कि बुशरा बीबी और तूबा उन दोनों का भी वही रिश्ता था अमर लियाकत के साथ जो आपका है, जबकि उन्हें तो जान का कोई ख़तरा नहीं है। आपने कोई अच्छा काम किया हुआ होता तो आज आपको जान का ख़तरा ना होता, आज आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़ती।